तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे शेयर के बारे में, जिसमें देखो एक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न दिख रहा है। इसमें एक ब्रेकआउट भी बना है यहाँ पे, कहीं ना कहीं देखा जाता है यहाँ पे। उसमें शेयर का नाम है टेक्स रेल, ठीक है, टेक्स मेकर रॉयल एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे क्या ना, एक प्रीवियस जो हाई था 2024 का फरवरी का, यहाँ पे 231.80 रुपए का, ठीक है, अप्रोक्स 232 मानते हैं इसको रख लेते हैं यहाँ पे। तो 232 रुपए का एक हाई लगा, तो उसके बाद इसने एक अच्छा खासा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया यहाँ पे, एक कर्व बनाया यहाँ पर। उसके बाद इसने एक रेंज को आज यहाँ पे ब्रेक करा उसने, और ब्रेक भी अच्छा करा यहाँ पे विद वॉल्यूम के साथ करा है। देखो यहाँ पे अच्छी खासी एक वॉल्यूम आ रही है यहाँ पे, ठीक है, और वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे करा, और जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर इसने क्लोजिंग देने में भी यहाँ पे हुआ है, इसमें करा है, ठीक है, थोड़ा हाई अच्छा लगा है। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, नॉर्मल सी बात है इसमें। उसके बाद यहाँ पे इसने अच्छी क्लोजिंग दी है। अब हमारे लिए मेन यहाँ पे एक सपोर्ट की रेंज वगैरह क्या बनता है, लेवल्स क्या बनते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। जो मेन एक सपोर्ट रिजेक्शन यहाँ पे सपोर्ट आएगा, वो सपोर्ट अब बनेगा यहाँ पे इस जगह के आसपास का, इस ब्रेकआउट के ऊपर हमें यहाँ कंसिडर करना है। अगर इसके नीचे जो भी लेवल आता है देखने को मिलता है यहाँ पे, एक बार बाइंग एक्टिवेट हो सकती है। उसमें लेवल्स यहाँ पे जाएंगे, ये वाले लेवल 213 से लेकर 231 का एक लेवल है, यहाँ पे रेंज हो गई, ठीक है। उस रेंज के बीच में जब भी वापस आएगा वहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ट पैटर्न बनने लगा है। और अब एंट्री कहाँ पे अगर हो सकती है वापस से दोबारा यहाँ पे, या तो अब इस लेवल को ब्रेक कर रही है, ठीक है, इस जगह पर। अगर ये कल यहाँ पे ब्रेक करता है तो कल वापस से फिर और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पर कल अगर ये रिजेक्शन ले लेता है 245 रुपए के आसपास से, वापस जाके वहां से एक बार रिजेक्शन लेता है, तो फिर थोड़ी बहुत यहाँ पे एक बार वापस से इस जगह पर रेंज में निकाल सकता है। इस जो आज की कैंडल बनी है, मतलब लो क्या था 222 से लेकर 245, फिर इसी रेंज के बीच में कुछ टाइम यहाँ पर निकाल सकता है, इनसाइड कैंडिडेट बन सकती है। पर अगर इस लेवल को ब्रेक करके निकल जाता है 245 के ऊपर यहाँ पे और निकल जाता है कल, तो वापस से अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इसमें, ठीक है। अगर आप एंट्री के हिसाब से क्या सोच सकते हैं, या तो हम इसमें अगर इसी प्राइस के आसपास अगर ओपन होता है तो 35 से 40% हम यहाँ पे इसमें फिर भी सोच सकते हैं एंट्री करने के लिए। या फिर यहाँ पे इस जगह पर कोई सपोर्ट मिल पाता है, यहाँ पे एडिशन के प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे वो चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक बार इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, 5 मिनट पे अभी क्या कंडीशन लग रही है। 5 मिनट पे देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसने प्रीवियस एक हाई को निकाला तो अच्छा मोमेंटम दिया। अब मेन चीज अगर यहाँ पे ये यह है कि अगर ये कल भी 231 के लेवल को ब्रेक करके आता नीचे, तो हर जगह पर यहाँ पे देखना आपको एक डिप में यहाँ पे ऊपर देखने को मिलेगी। वो लेवल 222 का भी हो सकता है, यहाँ पे 226 का लेवल हो सकता है, जो भी लेवल नीचे आएगा यहाँ पे डाउन साइड में इस रेंज में, यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स वापस से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे और वापस से मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है। ये हुआ हमारा 5 मिनट के हिसाब से, टाइम फ्रेम के हिसाब से। और अपर साइड में देखो, अगर ये निकलता है यहाँ पे 245 के ऊपर, तो भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कि मतलब वापस से इसने अपना हाई ब्रेक करा और एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हुआ 5 मिनट के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बार और हम यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उसको शिंक करके, कि कोई पुराना कोई लेवल वगैरह नहीं है यहाँ पे, पैटर्न देखते हैं यहाँ पे। प्रॉपर पूरा पॉजिटिव चार्ट पैटर्न की तरह चलता है ये, अच्छा शेयर अच्छा बाउंस करता है, मोमेंटम देता है, फिर वापस एक अच्छा साइडवेज रेंज निकालता है, फिर थोड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न टाइप बनाता है, फिर वापस से ब्रेकआउट देता है और अच्छा मोमेंटम देता है। सेम इस कंडीशन के हिसाब से इसने यहाँ पे रेंज बनाई, अभी एक पूरा कर्व बना के अच्छे से वापस से ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रही है। अगर मार्केट में कोई भी सेंटिमेंटल कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं आती, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से बाइंग के लिए हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी शेयर में यहाँ पे। इसको आप अपने फोकस में रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं यहाँ पे। इसमें मेरी यहाँ कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें यहाँ पे। बाकी जो मुझे टेक्निकल के हिसाब से लगा मैंने आपके साथ शेयर करा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।